स्टूडेंट्स वेलकम टू बायरूट क्लासेस। हम लोगों ने चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था एनिमल किंगडम, क्वेश्चंस भी हम बीच बीच में कर रहे थे, तो आज मैं सिर्फ आपको आज आपको सिर्फ नीट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि AFMC और जो ऑल इंडिया PMT के क्वेश्चंस थे, एम्स के थे, वो सब हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब मैं आज आपको नीट ही नीट के क्वेश्चन करवाऊंगी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में कौन सा फीचर नहीं पाया जाता। तो देखिए यहाँ पे हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, जैसे पैरापोडा इसमें नहीं होता, वो किस में होता है, एनालिडा में होता है, यानी पैरापोडा ही होगा, बाकी सब तो इसमें होते हैं। जॉइंट अपेंडेजेस भी होते हैं, कार्टिनेशियस एक्सोस्केलेटन भी होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड भी होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसमें पैरापोडा यानी फर्स्ट वाला आपका गलत है, तो यही आपका होगा इसमें। सेकंड आपका मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, मैंने आपको क्या बताया था, मेटाजेनेसिस हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है, कि वहाँ क्या होगा, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जैसे पॉल्प और मेडूसा स्टेज आपको बताई थी, तो इस तरीके की कंडीशन होती है मेटाजेनेसिस। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मैराइन कार्टिलेजिनस फिशेस, जिसको हमने क्या बोला था, कॉन्ड्रिचिथस, ठीक है, फिशेस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इज इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करता है, टॉर्पीडो, ठीक है, और ट्राइजॉन जो होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक, ये क्या करता है, पॉइजन स्टिंग्स इसमें होती हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने वाली है टॉर्पीडो फिश, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपैरस, विविपैरस मीन्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो देखिए प्लैटिपस की बात कर रहे हैं, वेल की बात कर रहे हैं, फॉक्स फ्लाई यानी बैट की बात कर रहे हैं, और एलिफेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, इससे आपके बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब आपको जो क्लियर होगा। देखिए वेल है वो अपने बच्चों को जन्म देती है, जो फॉक्स फ्लाई बैट है वो भी देता है, तभी मैमल कहा जाता है, ठीक है, और एलिफेंट तो देता ही है। प्लैटिपस है जो क्या करता है, डक बिल बताया था आपको कि ये क्या होता है, ये क्या करेगा, ये ओविपैरस होता है, ठीक है, एग ले करता है, बट उसके बाद बोलते हैं कि मिल्क फीड करवाता है बच्चे को, ठीक है, बट ये वैसे ओविपैरस है। नेक्स्ट, मैच द नेम ऑफ द एनिमल, एनिमल के नेम, उनका वन कैरेक्टरिस्टिक और फाइलम को मैच करना है, ठीक है, कि वो किससे बिलोंग करता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं लेमुलस, तो लेमुलस किंग क्रैब बताया था, यहाँ पहले आप देखिए फाइलम क्या है, पिशीज देर का, गलत है, वो तो ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है। एडमशिया, एडमशिया किससे बिलोंग करता है, सीलेंट्रेटा, ठीक है, आप बीच का छोड़िए, आप पहले फाइलम से कंपेयर कीजिए, क्योंकि अब हमको एग्जाम्पल्स तो पता है, ठीक है, तो ये हो गया। और ये इस्थियोपस जो है ये किससे बिलोंग करता है, तो ये पिशीज से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पेट्रामिक्सॉन की, तो पेट्रामिक्सॉन जो है दे रखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये एक्टोपैरासाइट होता है, किस पे, फिशेस पे एक्टोपैरासाइट भी होता है, और दूसरा ये कैसा होगा, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर भी आता है, ठीक है। जो इस्थियोपस है ये किसके अंदर आता है, एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया के अंदर आएगा। तो यानी तीनों गलत हो गए, लैमुलस ऑर्थोपोडा के अंदर आता है, एडमशिया सीलेंट्रेटा के अंदर आता है, लास्ट वन जो है इस्थियोपस ये किसके अंदर आता है, एम्फीबिया के अंदर आता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड, किसमें ये मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वेयर एज द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट, रिमेनिंग थ्री करेक्ट होंगे, किस वाले में गलत होगा। तो अगर हम यही बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइला, तो पाइला में ये मोलस्का से बिलोंग करता है, और मैटर ये बॉडी सेगमेंटेड बॉडी जो है इसमें कि सेगमेंटेड बॉडी इनमें होगी, तो यहाँ हम ये चीज़ देखते हैं कि इनमें ज़्यादातर कैसी होती है, मतलब सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती, सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती है ज़्यादातर बॉडी, ठीक है, और मतलब अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, और बताया था आपको हेड मस्कुलर फुट हो गया, विसरल हम्प हो गया, इन पे डिवाइड होती है, लेकिन अनसेगमेंटेड होती है। तो ये ऑप्शन ही गलत है आपका कि बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड वो है ही नहीं। हाँ, थर्ड ऑप्शन इसमें सही, थर्ड इसमें सही दिया हुआ है कि माउथ विद रेडुला, मैंने आपको बताया था कि माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं,
रडुला। तो यानी आपका ऑप्शन ए ही गलत है, उसमें आपका क्या है बॉडी सेगमेंटेड तो है ही नहीं, तो बाकी हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन ए ही आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, स्यूडोसीलोम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन। देखिए सब के सब हैं, सिर्फ स्यूडोसीलोम नहीं है क्योंकि वो तो सीलोमेट होता है, ट्रू सीलोम है उसमें प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। अच्छा, अब आपको बताने कौन सा सही से मैच करते हैं। रेप्टाइल्स की बात करते हैं, थ्री चैम्बर हार्ट विद एन अन इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल्स, नहीं। सेकेंड, कॉर्ड दैट अपसेस द माउथ विद द अपर एंड लोअर जॉ। अब देखिए, अब हमें तो सिर्फ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करनी है, कॉर्ड डेटा में कहाँ ये जॉ में आ गए हैं, ठीक है। हमें तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करनी है कि उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। थर्ड बात करते हैं कॉन्ड्राइथिस में क्या आते हैं, इसमें आते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज, तो ये ठीक है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन ठीक है ये चीज़। फोर्थ है एम्फीबियंस गिव बर्थ टू, मैमल गिव बर्थ टू यंग वंस, तो इसमें मैमल्स में देखिए वो बर्थ तो देते हैं लेकिन वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें चीज़ें तो बिल्कुल सही बता रखी हैं लेकिन फिर किस में हम टिक लगाएं, ठीक उस पर लगाइए जो उसका यूनिक कैरेक्टर है, यानी जिससे हम उस क्लास या उस फाइलम को डिनोट करते हैं। तो इसमें इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ चीजें सही हैं बट यूनिक फीचर क्या है वो आपको देखना है। नेक्स्ट है एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्केरिस किस चीज से कैरेक्टराइज्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ ट्रूसीलोम बट अब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म। सेकंड है आपके पास प्रेजेंस ऑफ ट्रूसीलोम एंड मेटामेरिज्म। थर्ड प्रेजेंस ऑफ ट्रूसीलोम बट प्रेजेंस ऑफ absence of true coelom and presence of metamerism, or fourth presence of neither true coelom nor metamerism। हाँ तो ये आपका सही है, जो एस्केरिस होता है किसके अंदर आता है, एस्केलेमेंथीस के अंदर आता है, और उसमें मैंने आपको बताया था ना तो true coelom present है zero coelom बोलते हैं, और ना metamerism present है, जबकि metamerism किस में present होता है, इससे पहले वाली क्लास यानी प्लेटी हेलमेंथीस में। तो याद रखिएगा, यहाँ मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि याद रखने वाली चीज़ है कि इसके पास सेगमेंटेशन नहीं होता, इससे पहले वाले के पास सेगमेंटेशन है, इसके बाद एनालिड आता है उसके पास सेगमेंटेशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है आपके पास ये दिए हुए हैं, आपको ये बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन कैरेक्टर्स। अच्छा, इनमें कॉमन कैरेक्टर्स आपको निकालने हैं, ठीक है, कि कॉमन कैरेक्टर किस किस में होंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए और बी बिल्कुल ही अलग है आपका, ठीक है, टैप फॉर्म हो गया, ठीक है, और ये मेडुसा स्टेज हो गई, फिर ऑक्टोपस और जो आपका ये है स्कॉर्पियन। तो इनमें अगर हम देखें, इसमें देखते हैं ए एंड डी रेस्पायर, ऑप्शन ए, ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल, ए और डी नहीं। नेक्स्ट बी एंड सी शोज रेडियल सिमेट्री, नहीं। ए एंड बी हैव सिनेडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, ए एंड बी नहीं, ए में तो होती नहीं है। सी एंड डी हैव ए ट्रू सीलोम, सी और डी के पास ट्रू सीलोम, यस ये करेक्ट है, डी आपका सही है। हायर उसके अंदर आते हैं ये, ठीक है, तो ऑक्टोपस के पास भी ट्रू सीलोम है और ये तो ऑर्थोपोडा के अंदर आता है, इसके पास भी ट्रू सीलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ गिल इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट दैट, अगर गिल्स प्रेजेंट हैं फ्रॉग के टैडपोल में तो वो क्या इंडिकेट करेंगे, नॉर्मल सी बात है, वो क्या इंडिकेट करेंगे कि ये किसी गिल्ड एंसेस्टर से इवॉल्व हुए होंगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है ये। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो आपका हो जाता है इसमें ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिज्म कहाँ पाया जाता है, यूरिक एसिड कौन प्रोड्यूस करते हैं, एक तो बर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, थीके? कुछ इंसेक्ट्स और लैंड रेप्टाइल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं बट मेनली बर्ड्स इनको प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, मैमल्स तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, फिशेज अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, फिर लास्ट में फ्रॉग और टोड्स जो हैं तो अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बर्ड्स लैंड रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमिडिडिया, ओमिडिडिया आइज में प्रेजेंट होते हैं, किसके कॉकरोच की आइज में प्रेजेंट होते हैं, वो फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं, तो सर्व फॉर द पर्पज, सर्व द पर्पज ऑफ फोटो रिसेप्शन इन कॉकरोच में होता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि देखिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग भी देखें या अगर हम कॉकरोच के एनाटॉमी के अकॉर्डिंग भी देखें तो दोनों के हिसाब से ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स, बर्ड्स में क्या नहीं पाया जाता, पेल्विक ग्रिडल पाया जाता है, पिक्टोरियल ग्रिडल भी पाया जाता है, हिंड लिम्स तो पाए ही जाते हैं, आपको पांव दिखते हैं ना उसमें, फोर लिम्स नहीं पाए जाते बिकॉज फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इंटू विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलेनोसाइट्स क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम है, किसमें पाया जाता है, प्लेटीहेल मेंथीस में, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, सोलेनोसाइट्स आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लेटीहेल मेंथीस, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलोम इज फाउंड बिटवीन, सीलोम किस किस के बीच में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मीजोडर्म और बॉडी वॉल के बीच में, ठीक है। तो मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, वो पहला तो आपका गलत है, बॉडी वॉल और एक्टोडर्म तो हम एक को ही बोलेंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म भी नहीं, हम यहाँ मीजोडर्म ऑप्शन सी सही है आपका। न्यूमेटिक बोन्स किस में पाई जाती हैं, बर्ड्स में पाई जाती हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, बर्ड्स में पाई जाती हैं, तो बर्ड्स इनमें से कौन है, न्यूमेटिक मतलब होलो बोन्स जो होती हैं, ठीक है, तो पिजन में पाई जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्रू अबाउट टीनियस सैगिनेटा, टीनियस सैगिनेटा में क्या चीज़ ट्रू होती है, तो मतलब ये क्या हो गया, टेप वॉर्म हम इसको बोलते हैं, तो लाइफ हिस्ट्री हैज़ पिग एज इंटरमीडिएट होस्ट, नहीं, देयर इज टू लार्ज सकर्स ऑन सोलेक्स, स्कॉलेक्स नहीं, छोटे छोटे सकर्स होते हैं इनके स्कॉलेक्स में, और मैं आपको ये बता दूं कि स्कॉलेक्स में क्या हुक प्रेजेंट नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे रोस्टम होते हैं, रोस्टलर्स वो एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर थर्ड आपका रोस्टलर हुक्स आर एब्सेंट, हाँ ये सही है आपका, ऑप्शन सी आपका सही है, रोस्टलर हुक्स नहीं पाए जाते, इनके जो माउथ होता है स्कॉलेक्स उसमें छोटे छोटे हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट वो रोस्टलर या हुक्स नहीं होते। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, तो हॉर्स का ऑर्डर क्या होगा, पैरिसो डेक्टाइला, ठीक है, तो पैरिसो डेक्टाइला हम किसको बोलते हैं, इनमें वो एनिमल्स आते हैं जिनके ऑड टोज होते हैं, जैसे आप पाँव देखते हैं ना नीचे खुर, तो ऑड टोज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, तो आपका ऑप्शन वन जो है ए वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ऑल मैमल्स आर विविपैरस, जितने भी मैमल्स हैं वो विविपैरस है, नहीं प्लैटिपस इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पजिस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, हाँ ये बात तो सही है, वो जॉलेस होते हैं ना, साइक्लोस्टोम्स को हम किसके अंदर लेते हैं, एग्नेथा के अंदर हम उसको लेंगे, तो यहाँ ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर हार्ट, नहीं क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है, फोर चैम्बर हार्ट उसमें होगा। फोर्थ, ऑल फिशेज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, तो नहीं, यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ओपरकुलम सिर्फ किन में पाया जाता है, जो ऑस्टियोथियस होते हैं बोनी फिशेज उनमें ओपरकुलम होता है, लेकिन कौन सा कार्टिलेजिनस फिशेज में होता है या जो साइक्लोस्टोमा वाली होती हैं उनमें होता है, साइक्लोस्टोमेटा वाली में, तो इसका हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका यहाँ आज आपका हो गया कंप्लीट, तो आप इसको कीजिए, मैं कोशिश करूँगी, देखते हैं आज शाम तक या तो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कोशिश करूँगी कि आज हम डाल पाएँ, अदरवाइज़ फिर कल ही डलेगी वीडियो, तो आप इसको पढ़िए, इतना पढ़िए, तो थैंक यू सो मच।